हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मच मोर फॉर यू। टुडे इज ग्लोबल विपासना पगोड़ा पार्ट टू वीडियो। पार्ट वन वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखी है तो। लेट्स स्टार्ट। पगोड़ा के अंदर एंटर करोगे तो वहाँ स्टेयर्स है, स्टेयर्स के ऊपर आप चढ़ोगे तो आपको ये लोकेशन दिखेगी। राइट साइड में जो स्क्वायर है वहाँ पे सिंगू मीन बेल है। लोकेशन में आप पूरे अराउंड छोटे छोटे गार्डन्स क्रिएट किए हैं, बहुत सारे बोधी ट्रीज दिखेंगे, अलग अलग टाइप्स के फ्लावरिंग प्लांट्स दिखेंगे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप फोटोशूट के लिए आना चाहते हैं तो भी ये बेस्ट जगह है। आप देख सकते हैं ये सारे फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल हैं। हमारा पार्ट टू वीडियो है, जल्दी इसके और भी अपकमिंग वीडियोज है, सारी इस लोकेशन की जानकारी मिलेंगी। सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड। अब ये जो लोकेशन है ये पगोड़ा का बैक साइड है। सामने देख रहे वो सिंगू मीन बेल है। यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन भी है जिसे जल देवता नाम दिया गया है और बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन भी है। अगर इस प्लेस पे आना चाहते हैं, पूरा विजिट करना चाहते हैं तो आपको पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा शायद। यहाँ पे एक योगा प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह भी है, पगोड़ा के एकदम सेंटर में है वो जगह। योगा प्रैक्टिस जहाँ करते हैं उसे डोम भी कहते हैं। योगा प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे फ़ोन्स नॉट अलाउड है, फ़ोन्स आपको ऑफ रखने होते हैं, इसलिए हम वहाँ का शूटिंग आपको नहीं दिखा पाए। आप जब जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत ही पीसफुल है। गाइस हमारे अपकमिंग वीडियोस ज़रूर देखिए, इसके पार्ट 4 to 5 और आने वाले हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया कि पगोड़ा तक कैसे ट्रैवल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब।